Hey guys, I welcome you all to my channel Nerdy Herds, Success in Your Hand. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो फूड है वो डाइजेस्ट होती है। देखो, इसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन तक आपका जो बॉडी का जो पार्ट है वो फैला हुआ है, उसमें मेनली जो आपके पार्ट्स हैं वो है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये इतने चीजें या इतने ऑर्गन्स आपके मेनली इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। प्लस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं इनमें। जो मेन जो ग्लैंड्स हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये ग्लैंड्स क्या चीज है। देखो, ग्लैंड्स वो ऑर्गन रहते हैं जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं और वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करके कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पर ये लेटर ऑन देखते हैं इसके बारे में। पर अभी देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लंबा ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक। रुके, मैं आपको इसको डायग्राम में दिखा देता हूं। देखिए, ये वाला जो ट्यूब है ये पूरा यहां से लेके ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर ये पूरा ट्यूब को मिला दिया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये 9 मीटर का ट्यूब है, 9 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जरा एक एक करके ऑर्गन्स दिखा दूं। ये है माउथ, ये रहा इसोफेगस, ये स्टमक, ठीक है। ये है लीवर, लीवर के अंदर में ये गॉल ब्लैडर है, और ये रहा पैंक्रियाज। ये दोनों ग्लैंड्स हैं, ठीक है। लीवर और पैंक्रियाज आपके ग्लैंड्स हैं, ठीक। उसके बाद ये जो बड़ा वाला जो ट्यूब दिख रहा है आउटर में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो अंदर में स्मॉल वाले जो ट्यूब दिख रहे हैं ये है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन से। तो देखिए, इंजेशन मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जो अपने फूड को इंटेक करते हैं, जब मुंह माउथ के अंदर में जब फूड को लेते हैं, इसी को इंटेक कहते हैं। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग के पास में माउथ रहता है फूड को इंटेक करने के लिए, और माउथ में रहते हैं टंग एंड टीथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इंजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। मूविंग अहेड, अब डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन जो है वो आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। माउथ में मेनली होते हैं, आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये पॉइंट बताने का मतलब ये इसीलिए था क्योंकि इनमें होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स के रोल क्या होते हैं, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं इसको। अगर टीथ की बात करें, जानते हैं आप टीथ का यूज़ क्या है, टू कट द फूड, च्यू एंड ग्राइंड इट, ठीक है। फूड को कट करने के लिए उसको च्यू, उसको ग्राइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्चुअल में, ये सलाइवरी ग्लैंड्स का रोल रहता है कि ये एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसका नाम है सलाइवा, ठीक है। सलाइवा जानते हो आप, थूक जो हमारे मुंह में जो रिलीज होता है, इट इज अ वाटरी लिक्विड, है ना। वो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसका रोल क्या रहता है सलाइवा का, ये क्या करता है, फूड को ये वेट बना देता है। जो भी आपके फूड जो खाते हैं, जैसे अपन रोटी खाते हैं, उसको वो पहले अपन दांत से उसको ग्राइंड करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, चबाने के बाद जो सलाइवा है वो उसमें मिक्स होता है, जिसके कारण आपकी जो फूड है वो वेट हो जाती है, ठीक है, गीली हो जाती है, जिसके कारण हम उसको आराम से निगल लेते हैं। सलाइवा में देखो एक तरह का एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, नाम याद रखना, सलाइवरी अमाइलेज। इसका रोल क्या रहता है कि ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। अब बोलोगे स्टार्च क्या चीज है, स्टार्च आपका कुछ नहीं, ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च को कन्वर्ट करें शुगर में, इसका मतलब है कि स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो बॉडी के अंदर में से कंज्यूम किया जा सके। अब आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस आपकी फूड पाइप होती है, ठीक है, जो नॉर्मली आपके फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाती है। देखिए, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखो, यहां से ये पूरा जो पाइप है ये कहाँ तक आई, स्टमक तक आ रही है, ठीक
ठीक है, माउथ से लेके माउथ को आपकी स्टमक तक जोड़ने वाली जो ये पाइप है, इसी को बोलते हैं ईसोफेगस, या फूड पाइप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली फूड जो है इसके अंदर में आपकी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट से ही आपकी स्टमक में आती है। ठीक है, फूड जो है, मैं फिर से बता दूं, फूड जो है वो आपकी स्टमक तक पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट से पहुंचती है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जब भी फूड जो है, जब आप उसको च्यू करने के बाद जब आप निगलते हैं, तो वो जो पाइप के थ्रू जब वो नीचे उतरता है तो उसमें पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फूड पाइप है या जो इसोफेगस जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, दबता है, ठीक है, फिर खुलता है, फिर दबता है, फिर खुलता है, जिसके कारण क्या होगा, ऑफकोर्स प्रेशर जनरेट होगी। ठीक है, प्रेशर कभी जब दबेगा तो प्रेशर बढ़ेगी, जैसे रिलीज करोगे प्रेशर कम होगा, ठीक है, जिसके कारण फूड जो है वो लगातार आपकी नीचे उतरते जाती है। तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आपकी फूड जो है वो नीचे आती है। अब आते हैं स्टमक में। स्टमक क्या है, आपका जे शेप ऑर्गन होता है जो कि आपकी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एब्डोमेन में। अब मैं जरा फिर से आपको डायग्राम में लेके चलूं, तो ये देखें, अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टमक कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है ना। देखो राइट वाला ये हो गया, लेफ्ट वाला ये हो गया, तो लेफ्ट साइड में इसको, इस पूरे पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट तक इसको एब्डोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टमक जो है वो आपकी एब्डोमेन में होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहते हैं। अब जरा एक एक करके स्टमक के बारे में देखते हैं। देखो स्टमक में मेनली तीन तरह के ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि ग्लैंड्स क्या होता है, इसका रोल क्या रहता है ग्लैंड्स के, कि वो एक तरह का कोई ना कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज करता है। ठीक है, जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। मतलब क्या हुआ, अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, गैस्ट्रिक जूस क्या है, देखो ये वाला जो ग्लैंड जो रहेगा ये एसिड रिलीज करेंगे, इसीलिए इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली तीन चीजें रिलीज करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉर्मली आपके इसके ग्लैंड से रिलीज होते हैं स्टमक में, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, नाम याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपकी जो फूड है उसको पूरी तरीके से एसिड में बदल देता है। ठीक है, एसिडिक नेचर बना देता है फूड का। और दूसरा रोल है इसका कि अगर आपके फूड में किसी भी तरह का बैक्टीरिया वगैरह अगर प्रेजेंट है तो उसको वो पूरी तरीके से मार देता है। ठीक है, ताकि आपके फूड जो है वो आपको बीमार ना करे। नेक्स्ट फिर एंजाइम आते हैं, एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या रहता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन के जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, इस एंजाइम का एक्चुअल में खासियत है कि ये हमेशा ये एसिडिक मीडियम पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जब वो फूड के ऊपर में एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है, या ये एसिड की कवरिंग चढ़ाते हैं, उसके बाद ही ये जो एंजाइम है ये उसके ऊपर अटैक करके उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करता है। तो याद रखना, पेप्सिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फूड का मीडियम है वो एसिडिक हो। ठीक है, पेप्सिन हमेशा एसिडिक मीडियम पर ही एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है म्यूकस में। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस जो है वो आपकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टमक की जो वॉल्स है इसको प्रोटेक्ट करके आपके खासकर इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये आपकी वॉल्स में रिलीज हो रहे हैं तो आपकी वॉल्स को ये डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए म्यूकस जो है, म्यूकस क्या करता है, ये आपकी स्टमक के ऊपर में एक तरह से कवरिंग चढ़ाता है। ठीक है, ये एक तरह का लिक्विड है जो जब एसिड रिलीज होता है उसके साथ ही म्यूकस भी रिलीज होता है। ठीक है, सॉरी इस इंटरप्शन के लिए। ठीक है, जब आपका एसिड रिलीज होता है उसी के साथ ये म्यूकस भी रिलीज होता है, और ये जो म्यूकस है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी एसिड को जो पूरा जो इरोजन है उसको ये रोकता है। ठीक है,
खासकर आपकी जो वॉल्स है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की वॉल्स को। अगर म्यूकस ना होता, ठीक है, अगर आपके स्टमक में अगर म्यूकस रिलीज नहीं होता तो एसिड की कंटेंट उस समय ज़्यादा हो जाती, जिसके कारण आपको अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो सकते थे। ठीक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहती है आपकी म्यूकस की। अब आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइन में। अब मैं फिर से ज़रा एक बार डायग्राम में ले आऊँ आपको। ज़रा यहाँ पे देखिए, स्टमक से ये एक ट्यूब निकल रहा है जो आपकी इंटेस्टाइन में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब ये इंटेस्टाइन में आ रहा है तो देखो यहाँ पे दो तरह की ओपनिंग है, एक यहाँ से ओपनिंग आ रही है, एक यहाँ से ओपनिंग आ रही है। ये पैनक्रियाज है, ये लीवर है, ठीक है। ये दोनों अब एंजाइम अपने अपने रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम, ध्यान से इसको समझना। अब जो फूड है वो आपकी स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। इंटेस्टाइन में आपकी दो तरह के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, अब जरा इसको समझना मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वो एरिया है या वो साइट है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। और इसमें दो तरह के ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। दो तरह के ग्लैंड कौन कौन से, पहला है लीवर, दूसरा पैनक्रियास, ठीक है। अब सबसे पहले तो लीवर में आते हैं कि लीवर क्या है, ठीक है। लीवर एक ग्लैंड है जो नॉर्मली आपकी एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है बाइल जूस, ठीक है। नाम याद रखना, लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस किस कलर का होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड, ठीक है। ये क्या कलर है, ग्रीनिश येलो लिक्विड एक रिलीज होती है जिसको बोलते हैं जो बाइल है, ठीक है, जो लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है। अच्छा, रिलीज कौन करता है, आपकी लीवर। ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। जो बॉल टाइप का जो सबसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा आपका लीवर, ठीक है। ये पूरा लीवर है, यहाँ से आपकी जो ये आपकी बाइल जो जूस है, बाइल जूस यहाँ से रिलीज होती है, और ये स्टोर कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। रिलीज कौन करता है, लीवर, ये तो ये चीज़ को याद रखिएगा। चले अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लीवर के फंक्शन में आते हैं। तो लीवर का क्या क्या रोल है, ये क्या करता है, फूड की जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। देखो मेन क्या है, लीवर के, लीवर से जो बाइल जूस जो निकलती है जब वो फूड के ऊपर में आपकी आती है, तो वो एसिड जो मीडियम रहता है फूड का उसको एल्कलाइन में बदल देता है, ठीक है। फिर बाइल का एक और काम है कि जो बड़े बड़े जो फैट जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं आपके फूड में, उसको इस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ये चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब बड़ा फैट को ये ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल में, जिससे कि आपकी एंजाइम एक्ट कर सकें इसके ऊपर में, ठीक है। एंजाइम इसके ऊपर में एक्ट कर सकें और इसको डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, समझ में आया, ताकि इसके ऊपर में एंजाइम ऐड कर सके और इसको डाइजेस्ट कर सके। अब नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है आपकी स्टमक में, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में स्टमक में नहीं है, ये जो ग्लैंड है ये आपकी स्टमक के ठीक नीचे में होती है, ठीक है। जस्ट ठीक नीचे में आपकी ये स्टमक के नीचे होती है, जिसका काम होता है कि पैनक्रियास तीन तरह के एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन कौन से एंजाइम, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, ठीक है, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। जरा एक एक करके, अच्छा रुको पहले मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं इसका। देखो ये रहा आपका पैनक्रियाज, ये लीफ लीफ जैसे दिख रहे, देख लो मैं आपको बता, एक्चुअल में स्टमक में नहीं है, स्टमक से थोड़ा सा नीचे रहते हैं ये देखो यहाँ पे है ये लीफ वाला जो पार्ट है, और जिसकी ओपनिंग देखो कहाँ हो रही है, ये इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन वाला ट्यूब है ये, इसमें आपकी ओपनिंग होती है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कि एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस के क्या क्या रोल है। पैनक्रियाटिक एमाइलेस क्या करता है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रही है। ट्रिप्सिन में क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और अमीनो एसिड एक सिंपल स्ट्रक्चर है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन हो रही है। लाइपेस क्या है, लाइपेस जो है वो क्या करता है, जितने भी जो फैट्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। समझ में आ गया।
एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बड़े बड़े फैट्स को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहां से क्या हुआ अभी तक कि जो फैट जो था वो फैट अब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक, चाहे फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सारी के सारी चीजें जो हैं आपकी इंटेस्टाइन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब आएगा एब्जॉर्प्शन, अब ये रिलीज होंगे ब्लड में। ठीक है, किस तरीके से ब्लड में रिलीज होता है, देखो जैसे ही इंटेस्टाइन में आपकी फूड जो है ब्रेक डाउन होने के बाद आगे बढ़ती है तो आपकी जो वॉल जो रहते हैं, इंटेस्टाइन के वॉल जो रहते हैं उसमें छोटे 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 फिंगर टाइप प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको बोलते हैं विलाई। ठीक है, मतलब आपके इंटेस्टाइन के वॉल में वो पूरे के पूरे बहुत सारे छोटे 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 ना ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे वो विलाई प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या रहता है कि ये जो फूड के जो पार्टिकल्स एक्चुअल में ये इतने छोटे रहते हैं कि ऊपर से ना पूरा के पूरा वॉल्स को ये कवर करके रख रहते हैं विलाई जो है, तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स ना उससे क्रॉस होता है ना तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसको आगे बढ़ने नहीं देते, तुरंत उसको ना खींच लेते अपनी तरफ, जिसके कारण अच्छा प्लस ये जो विलाई जो है ये इसका जो सरफेस है वो सरफेस पहला तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसमें ऊपर में रहता है सरफेस में, और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो आपकी ब्लड के जो ब्लड के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो जो भी फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं वहां से ये ले जाके ब्लड में इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ब्लड तक आपका सब्सटेंस कैसे पहुंचा, जो फूड है वो कैसे पहुंचा, बिकॉज ऑफ विलाई। ठीक है, विलाई क्या है, ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। अब आगे बढ़ते हैं एसिमिलेशन में। ठीक है, जब अब जैसे ही आपकी जो फूड है वो ब्लड में पहुंच गई, अब क्या होगा, अब जाके वो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सेल्स तक पहुंचेगी। ठीक है, सेल्स क्या करेगा, उसको उस फूड को लेगा और उससे अपनी एनर्जी उसको मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद अपना जो ग्रोथ है, सेल का जो ग्रोथ है, ठीक है, सेल में अगर कुछ मेंटेनेंस करनी है, कुछ रिपेयर करना है, तो ये रिपेयर वर्क, ठीक है, ये सारे के सारे आपकी इस फूड से होती है। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेल की ग्रोथ के लिए। और जिस प्रोसेस से आपकी जो फूड है वो ब्लड से कैरी होके सेल तक पहुंचती है और सेल उसको अपने लिए एनर्जी क्रिएट करता है, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। एट द लास्ट अब आते हैं इजेशन में। इजेशन क्या होता है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फूड हम खाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ना हर एक एक फूड का जो पार्ट है उसको हम यूज करें। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं फूड खा रहा हूँ तो मैं 10% को सिर्फ खाता हूँ, बाकी जो 90% फूड है वो मेरे वेस्ट में जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 90% पार्ट है वो वेस्ट हो गया। अब वो वेस्ट कहाँ जाएगा, ठीक है, वो वेस्ट आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और उसके बाद ये जो वेस्ट वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, जो भी बचा हुआ जो वाटर है, ठीक है, उस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है इस वेस्ट से। ठीक है, वाटर जब एक बार निकल जाए उसके बाद इसको भेज दिया जाता है आपकी रेक्टम और एनस में। ठीक है, रेक्टम में जाके ये स्टोर होते हैं और एनस के थ्रू जो फीसेस के फॉर्म में ये रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से। तो इजेशन क्या हुआ, वेस्ट का आपकी बॉडी से रिलीज होना इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ठीक है, कहाँ से ये रिलीज होते हैं, ये ऑफकोर्स रेक्टम और एनस से ये रिलीज होते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।